सिद्धार्थ और आसिम की अनबन का असली रीजन सामने आ गया है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है यशु समर और आप देख रहे हैं द डॉलीवुड रिपोर्टर। दोस्तों कल रात जब से बिग बॉस का आफ्टर एपिसोड प्रोमो सामने आया है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह सिर्फ एक ही सवाल है कि राम लक्ष्मण की जोड़ी को आखिर किसकी नज़र लग गई है, सिड और आसिम के बीच ऐसा क्या हो गया है। वैसे हमने एक बात पहले भी डिस्कस की थी कि बिग बॉस के जो प्रोमो होते हैं वो बनाए ही ऐसे जाते हैं, जो उनकी क्रिएटिव पूरी टीम होती है प्रोमो को इस तरह एडिट किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइप क्रिएट कर सकें, ये बात आपको भी पता है। अब जो नया प्रोमो सामने आया है उससे पता चलता है कि यहाँ आसिम आरती और सना से नाराज़ हैं और इसकी वजह घर की ड्यूटीज हैं। प्रोमो में हम देख सकते हैं कि यहाँ आसिम आरती को बोलता है कि तूने शेफाली को ये क्यों कहा कि आसिम से रूम साफ करा, और ऐसा आसिम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रूम साफ करने की ड्यूटी आसिम के साथ साथ सिद्धार्थ की भी है। तो यहाँ पर आसिम का एक वैलिड पॉइंट है, सिड को कोई क्यों नहीं बोलता, सिर्फ आसिम को ही उसके लिए काम के लिए क्यों बोला जाता है। वहीं हमने देखा कि सिद्धार्थ उसे समझा रहा है कि आराम से बात करेंगे, सबके सामने ये बातें मत कर, लेकिन आसिम चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। और उसके बाद सिद्धार्थ भी भड़क जाता है, मतलब हमें सिद्धार्थ का एग्रेशन पता है, वो जब तक समझाता है उसके बाद एक टाइम के बाद वो भी हाइपर हो जाता है। उसके बाद आसिम के पास एक रीज़न सना भी है जो अपनी टीम बदलती रहती है, तो आसिम को ये इशू है कि उसने सना को माफ़ क्यों कर दिया। इस वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है कि आसिम के मन में बहुत कुछ था जो वो निकालना चाह रहा था, तो एक तरह से उसने अपने मन की भड़ास, मन की बात निकाल दी। लेकिन अब आसिम ने तो अपने मन की बात निकाल दी है, अब इस बात निकालने के बाद सिद्धार्थ और आसिम के बीच की दोस्ती का क्या होगा, वो आज रात के एपिसोड में हमें देखकर पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि जब आसिम का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो दोनों बैठ के आपस में अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिद्धार्थ भी वही चाह रहे थे कि आसिम आराम से बैठ कर बात करेंगे, इस सबके सामने बात नहीं करते, क्योंकि सिद्धार्थ कभी नहीं चाहते कि उनके ग्रुप में जो फूट पड़ चुकी है, हमें दिखता है कि साफ एक फूट पड़ चुकी है, वो दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाएं। तो सिद्धार्थ चाहता है कि लोग हम आराम से एक कोने में बैठ के इस बारे में डिस्कस करें। ऐसे आपको क्या लगता है कि दोनों के बीच कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, या फिर दोनों अब अपना इंडिविजुअली गेम खेलेंगे? जो भी है कहना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड कीप वॉचिंग द डॉलीवुड रिपोर्टर।